परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमस्कार, एक्सपोज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे आतंकी हमले की, और इसके साथ ही बात करेंगे कि किसानों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर नाराजगी क्यों जाहिर की है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या जवाब दिया गया। बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने अचानक हमला बोल दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि 1993 में आतंकी हमले में मारे गए लोगों की बरसी मनाई जा रही थी, उसी समय यह आतंकी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों ने एक बार फिर हमला कर दिया है। आतंकवादियों ने शनिवार की सुबह आईईडी ब्लास्ट किया। जानकारी के मुताबिक इस आतंकी हमले में 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, तो वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट सोपोर के गोल मार्केट में किया गया। पुलिस महानिरीक्षक मुनीर खान ने बताया कि हमले में 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। आईईडी को एक दुकान के नीचे लगाया गया था, जिससे ब्लास्ट में 3 दुकानें बुरी तरह से बर्बाद हो गई और कई स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आईईडी विस्फोट में पुलिसकर्मियों की मौत पर संवेदना जताई है। आपको बता दें कि अलगाववादियों ने शनिवार को सोपोर बंद करने का आह्वान किया था। दरअसल सोपोर में 1993 में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी बरसी पर हर साल सोपोर मार्केट बंद रखा जाता है, और बंद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। आतंकवादियों ने योजनाबद्ध तरीके से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने के लिए आईईडी बिछाई थी। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए हैं और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। प्रदेश की सत्ता से बाहर हो चुकी समाजवादी पार्टी इन दिनों विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटी हुई है। उसका मानना है कि अगर 2019 का चुनाव जीतना है तो हर हाल में विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा, लेकिन 2 बड़ी पार्टियों के बैठक में शामिल ना होने से सपा के इस मिशन को करारा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। दरअसल लखनऊ में ज्ञानेश्वर मिश्र ट्रस्ट के कार्यालय में अखिलेश यादव ने विपक्षी दलों के नेताओं को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना था, लेकिन इस बैठक का प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियों बसपा और कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जब ये साथ काम नहीं आ सका तो कांग्रेस का सपा से मोह भंग हो गया। यही नहीं, कांग्रेस ने निकाय चुनाव के बाद सिकंदरा विधानसभा चुनाव में भी सपा के प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा था। रही बात बसपा की, तो बसपा के इस बैठक में शामिल नहीं होने के संकेत पहले से ही मिलने लगे थे। बसपा और कांग्रेस के इस मोह भंग से अखिलेश यादव की विपक्षी एकता की मुहिम को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश ने कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कम्युनिस्ट पार्टी को न्योता भेजा था। चुनाव आयोग से चाहेंगे कि जनता का ईवीएम मशीनों के ऊपर से विश्वास उठ गया है, लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ विधानमंडल दल के नेता राम गोविंद चौधरी, आजम खान और अहमद हसन मौजूद रहे। आज ये ईवीएम मशीन के संबंध में बैठक है। ये देश भर में हम लोग चाहते हैं इसके खिलाफ आंदोलन चले और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। हालांकि दशकों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब विपक्षी दल एक ही छत के नीचे खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस और बसपा ने इस बैठक से किनारा कर लिया। बैठक में बैलेट पेपर से लोकसभा उपचुनाव कराए जाने पर सहमति बनाई गई। साथ ही लोकसभा के उपचुनाव में गोरखपुर और फूलपुर के लिए संयुक्त विपक्षी के प्रत्याशी के बारे में भी चर्चा की गई। लखनऊ से एक्सपोज इंडिया के लिए आलोक द्विवेदी के साथ शालिनी मौर्य की रिपोर्ट। लखनऊ में सरकार की नीतियों से गुस्साए किसानों ने भाजपा सरकार के विरोध में नारेबाजी की और काफी तादाद में अपना आलू सड़कों पर बिखेर दिया। किसानों का आरोप है कि सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है, वहीं सरकार महज इसे विपक्ष का ड्रामा करार दे रही है। उत्तर प्रदेश में आलू की खेती करने वाले किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। गुस्साए किसानों ने विधानसभा और राज्यसभा की सड़कों के बाहर आलू फेंक कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है।
बहरहाल किसानों के इस प्रदर्शन को सरकार के मंत्री विपक्षी दलों की साजिश बता रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि पुराना आलू कोल्ड स्टोरेज में बचा ही नहीं है तो फेंका कहां से जाएगा। जो आलू खराब हो गया है उन्हें सड़कों पर फेंका गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 120 लाख मीट्रिक टन आलू खत्म हो चुका है। राज्य के भीतर 120 लाख मीट्रिक टन आलू भंडारण के लिए शीतगृहों में था और 120 लाख मीट्रिक टन आलू शीतगृहों से बाहर हो चुका है। और इसलिए ये कहना कि आलू की बरसात हुई है, कुछ लोगों ने जो सड़ा गला ग्रेडिंग की जो आलू होती है जो मंडियों में जाने के बाद छांट दिए जाते हैं वैसा आलू ला करके डाल दिया है और ये सिवाय सुनियोजित साजिश सरकार को बदनाम करने का अलावा कोई इसके पास। दरअसल किसानों का ये गुस्सा आलू के कम दाम मिलने को लेकर है। इसके विरोध में किसानों ने राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आलू फेंक कर प्रदर्शन किया। किसानों को मंडियों में आलू के 4 रुपए किलो भाव मिल रहे हैं लेकिन किसान सरकार से 10 रुपए प्रति किलो का भाव मांग रहे हैं। लखनऊ से एक्सपोज इंडिया के लिए विजय त्रिपाठी के साथ शालिनी मौर्य की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन दिनों एक खत से काफी परेशान नजर आ रही है। इस एक खत ने यूनिवर्सिटी के प्रशासन की नींद उड़ा कर रख दी है। आखिर क्या है इस खत का सच, जानते हैं इस खबर में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए एक खत से हंगामा मच गया और विश्वविद्यालय प्रशासन सकते में आ गया। विश्वविद्यालय को जो खत मिला उसमें विश्वविद्यालय में कट्टा कल्चर और अपराधियों को संरक्षण दिए जाने की बात लिखी गई थी। ये खत किसी और ने नहीं बल्कि SP सिटी अतुल श्रीवास्तव ने AMU प्रशासन को लिखा था। पुलिस प्रशासन की चिट्ठी मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के हॉस्टल को भी चेतावनी जारी कर दी गई कि बारीकी से हर शख्स पर नजर रखी जाए। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही सर जियाउर रहमान हॉल में एक छात्र की हत्या के मामले में 3 बाहरी लोगों को पकड़ा गया था। इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर SP सिटी ने एक खत AMU प्रशासन को लिखा जिसको लेकर विश्वविद्यालय में एक कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए गए जो कुछ ही दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन से एक पत्राचार किया गया है कि इस तरह के घटनाओं की जांच कर लें और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। अगर आप किसी संस्थान में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी जरूर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि संस्थान में एडमिशन लेने के बाद उसकी सच्चाई आपके सामने आए तो आपका पूरा भविष्य ही अंधकार में नजर आए। मामला अलीगढ़ का है जहां कुछ छात्रों के साथ ऐसा हुआ। जब उन्हें संस्थान की सच्चाई पता लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मैनेजमेंट पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि विद्यालय ने जिस पाठ्यक्रम में 40 छात्रों का दाखिला लिया है विद्यालय के पास उस पाठ्यक्रम की मान्यता ही नहीं है। छात्रों को जब इस बारे में जानकारी हुई तो उनके होश उड़ गए। सच्चाई जानने के बाद छात्रों ने इंस्टीट्यूट के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस मामले में प्रदर्शनकारी छात्रों ने इंस्टीट्यूट के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। यहाँ पे एक कॉलेज है जो सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े की नींव पर टिका हुआ है। यहाँ पूर्व में भी बी फार्मा के नाम पे इनके पास 60 सीटों की अनुमति थी, इन्होंने 100 प्रवेश ले लिए जिसमें 40 छात्र छात्राओं ने जो अतिरिक्त परीक्षा दी थी उनका परीक्षा फल आज तक नहीं आया। वहीं इसी कड़ी में इन्होंने दूसरा एक और कुकृत्य किया है। CBA नामक पाठ्यक्रम में इनके पास विश्वविद्यालय से कोई अनुमति नहीं थी, इन्होंने अपने महाविद्यालय के अंदर कॉलेज के अंदर 40 छात्र छात्राओं का प्रवेश ले लिए। अनुमति ना होने के कारण इन्होंने शिवदान सिंह इंस्टीट्यूट जो कि नकल के लिए और अपने गिरे हुए ग्राफ के यहाँ पे जाना जाता है वहाँ से इन्होंने इनका यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र छात्राओं को रजिस्टर करा दिया जो किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। ये खबर उन लोगों के लिए है जो LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। लगभग 2 लाख LPG उपभोक्ताओं के कनेक्शन अचानक ब्लॉक कर दिए गए। आप भी सावधान हो जाएं क्योंकि आने वाले कल में आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में LPG उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। करीब 2 लाख उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया गया है जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना आधार कार्ड KYC के अंतर्गत लिंक नहीं कराया था उनके कनेक्शंस को ब्लॉक कर दिया गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में 80 गैस एजेंसी हैं और करीब 10 लाख उपभोक्ता इन गैस एजेंसी से LPG सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। 10 लाख में से करीब 2 लाख उपभोक्ताओं के कनेक्शंस आधार से लिंक न होने की वजह से
ब्लॉक कर दिए गए हैं। हमारे यहाँ लगभग जो है 2900 कनेक्शन ब्लॉक हुए हैं 3 जनवरी को। ये मामला पहले से BPCL की तरफ से ये इंफॉर्मेशन थी कि जिनके आधार नहीं लिंक है उनके कनेक्शन ब्लॉक होंगे। इसके लिए हमने पूर्व में सभी कंज्यूमर को हमने जो है आधार लिंक करने के लिए जो है मैसेज किए थे। 31 तारीख उसकी डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 86वां जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। शेरों जैसा जिगर रखने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह शुक्रवार को 86 वर्ष के हो गए। लखनऊ में उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उम्रदराज हो चुके कल्याण सिंह आज भी खुद को पूरी तरह से फिट मानते हैं। उनका कहना है कि राजनीति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। समाज के अनुरूप नौजवान में नवशक्ति, जोश और बदलाव साफ नजर आ रहे हैं। जल्द ही भारत का नौजवान देश की राजनीति को बदल देगा। खास तौर से जो नौजवान की शक्ति है, इसमें एक नया जोश, नया उत्साह पैदा हो रहा है और नौजवान ही देश की राजनीति को बदलता है, वही बदलेगा भी, और उसकी राजनीति बदल रही है। नौजवानों के सोच में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, ये बड़ा शुभ लक्षण है। कल्याण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर बधाइयों का सिलसिला पूरे दिन जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने इस मौके पर उनके दीर्घायु होने की कामना की। यही नहीं, अन्य शहरों से आए कार्यकर्ता भी कल्याण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर जश्न में शामिल हुए। लखनऊ से एक्सपोज इंडिया के लिए आलोक द्विवेदी की रिपोर्ट। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दुखों को अपनी ताकत बना लेते हैं और उनकी यही ताकत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। कुछ ऐसा ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिला, जहां एक पिता बेटे की मौत के बाद से ही लोगों को सही राह दिखा रहा है। उसके इसी जज्बे को देखते हुए लखनऊ में एक मेगा शो का आयोजन किया गया। लखनऊ के 1090 चौराहे पर शुभम श्योति फाउंडेशन द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता पर मेगा शो का आयोजन किया गया, जिसमें जनसाधारण को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। मेगा शो के आयोजनकर्ता और शुभम श्योति फाउंडेशन के अध्यक्ष आशुतोष श्योति से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस आयोजन से उनकी दर्दनाक यादें जुड़ी हैं और वो यादें ही उन्हें हर बार इस आयोजन को करने के लिए मजबूर करती हैं। इसको बनाने के पीछे उद्देश्य था कि शुभम, मेरे बेटे का देहांत रोड एक्सीडेंट में हुआ था 15 जुलाई 2010 को। उसके बाद हमने ये निर्णय किया कि हम कुछ ऐसा कार्य करें कि समाज को इसके प्रति जागरूक करें, जिससे लोग जो हमें पीड़ा हुई है वो औरों को ना हो, और यही विचार के साथ शुभम श्योति फाउंडेशन बना। और पूरे साल हम कुछ ना कुछ आयोजन लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, याद दिलाने के लिए कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, हम करते रहते हैं। कार्यक्रम में ट्रैफिक के नियमों पर आधारित एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सही उत्तर देने वालों को प्रोत्साहन के रूप में हेलमेट दिया गया। यही नहीं, लोगों को जागरूक करने के लिए वॉकथन 2018 का भी आयोजन किया गया। वहीं जागरूकता शिविर में पहुंचे ADG MK बशाल शुभम ने इस काम को सराहनीय बताया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि सभी सड़क के नियमों का पालन करें और अपने बच्चों को भी इसके लिए जागरूक करें। टीचर्स मीटिंग्स के दौरान भी हम लोग कहते हैं कि पेरेंट्स टीचर्स की जो स्कूलों में मीटिंग्स होती हैं, उसमें पेरेंट्स को समझाया जाए, उनके माध्यम से ये बात बच्चों तक पहुंचाई जाए और पेरेंट्स को जागरूक किया जाए, पेरेंट्स को खुद जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए कि पहले वो खुद, ये उनकी जिम्मेदारी है। जागरूकता के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ADG MK बशाल के साथ ही IG नवनीत सिकेरा, विशेष सचिव परिवहन राकेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी यातायात लखनऊ राजेश तिवारी और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद तिवारी मौजूद रहे। लखनऊ से एक्सपोज इंडिया के लिए विजय त्रिपाठी के साथ शालिनी मौर्य की रिपोर्ट। तो एक्सपोज इंडिया के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और बड़ी खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय, एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।